तो एक और प्यारे से दिन की शुरुआत, सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता पानी बना लिया जाए। तो उसके लिए हमारे पास नाश्ते का पूरा सामान रेडी है, बस अब नाश्ता बनाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सोचा हूँ जब तक नाश्ते का सिस्टम रेडी हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सिस्टम पे कुछ काम कर लूँ। दरअसल मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, अपडेट होने का था तो इसको आज अपडेट कर देता हूँ, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है इसलिए। मेरे पास डेल का लैपटॉप है, आप लोगों के पास कौन सा है ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अब हमारा सिस्टम भी रेडी हो चुका है और हमारा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। तो अब नाश्ता करते हैं और नहाते धोते हैं और फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। आप इसमें कुछ काम नहीं है तो हम बोर हो रहे हैं, क्या करें आप बता तो करें। इधर कर लेते हैं टाइम पास यार। देखो भैया ये रेड बस भाई है, जिसको भी जहाँ जाना है इसमें बैठ जाना, ये छोड़ देगी तुमको। हाँ ये हमारे केला दादा जो मीटर लगाते हैं, हाँ दी फैकल्टी आ गई स्टाफ की। इन लोगों का परमानेंट निवास यहीं पर है। यह देखो भैया विद्युत विभाग की गाड़ी हो चुकी है रेडी। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी दूध लेने और मंदिर में दर्शन करने। पहले मंदिर जाऊंगा उसके बाद जाऊंगा दूध लेने के बाद। और अब आप सभी को कर्फ्यू वाली माता जी के दर्शन होंगे। ये माता जी के शेर हैं, दो दो शेर हैं, एक इधर है और एक इधर, दोनों ही शेर बहुत प्यारे लग रहे हैं। धूप दीप वगैरह लग रहे हैं, शेर महाराज कितने प्यारे लग रहे हैं। एक दूसरे शेर महाराज इधर हैं, यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाए गए हैं। सामने हमारी माता महारानी विराजमान हैं। अब आपको साक्षात दर्शन होंगे माता जी के, ये अत्यंत दुर्लभ दर्शन है दोस्तों। बगल में भगवान हनुमान जी विराजमान हैं, स्वर्ण मंदिर सरस्वती वाली माता मंदिर। इधर एक और भगवान हैं और यहाँ पंडित जी खड़े हुए हैं और बाकी भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दादी वगैरह बैठी हैं। यहाँ पे एक स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भी दान पात्र रखा हुआ है, जिसमें आप सभी दान कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मंदिर में बहुत ही प्यारे प्यारे विशाल घंटे लगे हुए हैं चारों तरफ। मंदिर काफी सुंदर है। यहाँ हमें राधा रुक्मणी कृष्ण भगवान और बाल गोपाल के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर को अत्यंत सुंदरता के सजाया साथ सजाया गया है। देख सकते हैं आप मुकुट कितना प्यारा लग रहा है। पक्ष में लड्डू गोपाल जी की दो दो मूर्तियाँ हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। साथ में गौ माता भी हैं और यहाँ नंदी महाराज के सामने स्वयं भोले बाबा विराजमान हैं अपने दोनों स्वरूपों में, पिंडी स्वरूप में भी और साक्षात भोले शंकर के रूप में भी विराजमान हैं। एक साइड पे भगवान गणेश जी की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है और दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय जी विराजमान हैं। और आप जरा गौर करें तो ऊपर की तरफ जो भगवान उसके दोनों तरफ नाग देवता विराजमान हैं और मध्य में गणेश भगवान विराजमान हैं। ये इतना प्यारा लगता है जब आप मंदिर के अंदर आओगे और दर्शन करोगे तो इस चीज़ को जरूर देखना। मैंने इसको पहले नोटिस नहीं किया था। उसके बाद ऊपर की तरफ भी मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं जो अत्यंत प्यारी लगती हैं। और ऊपर का अगर व्यू देखा जाए तो वो भी काफ़ी प्यारा होने वाली है अभी कुछ ही देर में। और इधर आते हैं तो हमें साक्षात भगवान
बजरंगबली जी के दर्शन होते हैं। ऊपर देखिए कितनी विशालकाय दो दो गदाएं रखी हुई हैं। जय बजरंगबली जी की। तो दोस्तों आपको मंदिर अच्छा लगा होगा, जरूर आना और एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी मंदिर में आने के बाद। और सच में मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। आप भी मंदिर में आइए और अपने आसपास के हर मंदिर में जाइए। अपने घर के साथ जय श्री, जय माता रानी, जय श्री।